परसेंट है, समझना। एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक भी दिया हुआ 500। इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स कॉन्स्टेंट, सोर्स का टेम्परेचर कितना है वो पता नहीं है, लेकिन जो भी है कॉन्स्टेंट है। इफिशियंसी 60% हमने बढ़ा दिया, पहले 50 था, अब हमने 60 कर दिया। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें निकालना है। ये होता है हीट इंजन, वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स सिंक। यहाँ से कुछ हीट Q1 लिया गया, टेम्परेचर T1 पे, ये सिंक है, ये Q2 है, ये टेम्परेचर T2 पे है। कुछ हीट यहाँ से हीट अब्जॉर्ब किया वर्किंग सब्सटेंस, वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, बचा हुआ सिंक को चला गया। पहला केस, दो केस अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले वाला केस, पहली इफिशियंसी है 50% और इस इफिशियंसी पे सिंक T2 जो है वो 500 केल्विन है। तो T1 कितना है? अरे भैया हमको नहीं पता है T1 कितना, कैलकुलेट करेंगे। तो 50 का मतलब होता है 0.51 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 किधर गया भाई, T2 500 और T1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 अपॉन T1 और 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 मतलब 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि T1 आ जाएगा 1000 केल्विन। पहले जो था T1 वो 1000 केल्विन पे था, क्लियर है, 1000 केल्विन सोर्स का टेम्परेचर था। अब सोर्स का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है, 1 आएगा ना इतने। तो सिंक का टेम्परेचर, अब आपने इफिशियंसी 60% बढ़ा दिया, पहले 50 किस, पहले 50 था, अब इफिशियंसी 60% हो गया, तो 0.6 हो गया और 1 माइनस, समझ रहे ना, 60% का मतलब होता है कि 60/100 मतलब इफिशियंसी 0.6। तो 0.6 माइनस T2 सिंक टेम्परेचर पूछ रहा है और T1 1000 हो गया, ठीक है, टेम्परेचर आप सिंक T2 पूछ रहा है, तो यह आ जाएगा T2 अपॉन 1000, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 मतलब यह आ जाएगा 2/5 तो 2/5 का मतलब होता है T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन। कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करना होगा और तभी जब आपका दिमाग तेज होगा। तो T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये जो इफिशियंसी वाला फार्मूला उसी को आपको दो बार लगा देना है।